फोन पर प्रेमी ने कहा मर जाओ, नाबालिग प्रेमिका ने फंदे से झूलकर दे दी जान। फरवरी माह को मोहब्बत करने वालों का महीना कहा जाता है। इस महीने में अपने पार्टनर से लोग कई वादे करते हैं, लेकिन यह महीना कहीं ना कहीं प्रेमी जोड़ों के लिए घातक साबित हो रहा है, खासकर जो नाबालिग जोड़े हैं वो गलत कदम उठा रहे हैं। ऐसा ही मामला हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से सामने आया। यहाँ एक नाबालिग अपने प्रेमी के साथ फोन पर नोकझोंक होने पर अपनी जिंदगी को भी खत्म कर ली। नाबालिग अभी हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी, सुबह भी खुशी खुशी घर का काम निपटा कर प्रेमी के साथ घूमने जाने वाली थी, लेकिन इसी बीच फोन पर किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई और प्रेमिका ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर ली। आज हम लोग तो सुबह में हमारा बेटी हमारा घर में थी, बोली अम्मी नाश्ता बना दे, अपना बहन के जॉब करने वास्ते नाश्ता भी बनाई, उसका अम्मी नहीं आई। लड़का लड़की जा रही थी आज घूमने, बोली थी उसका बाद लड़का है सो बहुत छोटा से आना जाना करता था, माने छोटा से मोहब्बत करता था। उसका बाद में लड़का कुछ बोल दिया उसको, तुम जान दे दो, हम तुमको नहीं चाहते हैं। वो अपना जान दे दी, फांसी लगा ली। लड़का कौन है, किससे मतलब? हाँ, सैफाल। लड़की का नाम क्या है? रेशम। कितनी उम्र थी लड़की? लड़की 16-17 साल। 18 है तो 18 लिखे। तो ये जो मामला जो चल रहा था, तो इस बीच में आप लोग एक दूसरे से रजामंदी थे घर वाले लोग? ऐसा नहीं बात हुआ था ना, अभी उम्र नहीं हुआ था उसको भी, इसको भी, अभी इससे बड़ी बहन थी। हम लोग सोचे थे उसका टाइम होगा तो देखा जाएगा। ये जो रेशम परवीन थी सबसे घर में बड़ी थी छोटी? छोटी थी। कितने नंबर पे थी? पूरा स्कूल से निकल गई थी पढ़ाई कर। दूसरा नंबर? हाँ, दूसरा नंबर में। दुएट है तो उसका बैठ गया है। आपको सुबह में कैसे पता चला कि लड़की फांसी लगा ली है? बच्चा लोग फोन की कि आप पिनाया उठ, एक दरवाजा खोल रही, हमारा आगे घर है, वही हम लोग आए पागल जैसा होते कि कहे दरवाजा, तो उसका मामा के दरवाजा तोड़ा, अल्मोनियम वाला दरवाजा है, कसर है उसको तोड़ा, अंदर के पूरा खुला था, एक ठो पैर लटकल था, एक ठो पैर पलंग में फिराल था। अब क्या चाहते हैं ये बताइए? हम चाहते हैं लड़का के भी फांसी हो, जैसे मेरा बच्चा के हुआ है, नादान बच्चा के बहलावा दे के, फुसलावा दे के, और जैसा धोखा मारा है, जैसा हमारा बच्चा के मोड़ में पास, उसका माँ कैसे जिएगी, उसका बाप का हालत देखिए, जूता पॉलिश करता है मर के बच्चा, उसका बाप के हालत देखिए, उसका माँ काम करती है दाय के, दूसरा जगह काम करती है, गरीब हम लोग काम कर करके अपना बच्चा को पढ़ाती है, अगर काम उसका बेटा भी डेट कर गया, नहीं जाती काम में तो कौन देता। क्या रेशम परवीन का कोई भाई भी था? कोई ना, पहले मर गया इतना बड़ा में, छोटा भी डेट किया। रेशम परवीन के अलावा और कितनी बहने हैं? बस एक उससे बड़ी, बस दो बहने थी बस, और कोई नहीं। रेशम परवीन कहीं काम वगैरह भी करती थी? नहीं, कहीं नहीं, घर में सिलाई उलाई घर में काम करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत नेक लड़की, नमाजी परहेजगार थी, काज बोल के ऐसा हमारा बच्चा के जान ले लिया। क्या नाम बताए थे एक बार आप? हम अपना जहांरा खातून। दरअसल मामला हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के नदी ग्राउंड का है। यहाँ रहने वाली नाबालिग का प्रेम प्रसंग कई वर्षों से मोहल्ले के एक लड़की के साथ, लेकिन कुछ दिनों से रिश्ते में खटास आई। लड़का नाबालिग के साथ शादी करने से इनकार करने लगा, लेकिन दोनों के बीच बातचीत होती रही। आज कहीं दोनों घूमने भी जाने वाले थे, लेकिन जब सुबह 10 बजे युवती ने अपने साथी को फोन किया तो उसने नोकझोंक हुई। इस पर प्रेमी ने उसे बोल दिया कि मर जाओ, तुमसे शादी नहीं करेंगे। बस इतना बोलते ही युवती अपने कमरे में जाकर फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर हिंदपीढ़ी थाना पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। हालांकि अभी किसी तरह का कोई आवेदन पुलिस को नहीं दिया गया है।